295 रन से हराना बहुत बड़ी बात है टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस ग्राउंड में पहली हार ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पे और स्पेशली पर्थ। और इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच जीत लिया है बहुत बड़े मार्जिन के साथ। करीब करीब 300 रन के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में सख्त तरीन मैदान पर्थ ऑप्टस स्टेडियम में शिकस्त कर दी है। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है इस बुरे से हारेगा। पहला टेस्ट मैच पर्थ में इंडिया जीत चुका है। पहली विजिटिंग टीम है जिसने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया है। भाई ये क्या राइवलरी हुई, हम बैठे थे कि पता नहीं कोई दो दिग्गज टीमें जो है वो आपस में लड़ रही थी, लेकिन इसे सुपरमैन और मिस्टर बीन का मुकाबला तुमने उन्हें करा दिया। पर्थ के ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इससे गंदी हार आज तक जिंदगी में नहीं हुई। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा हरा के पूरी एशियन कंट्रीज का सर फखर से बुलंद करके रख दिया। इन सारों गौरों का यही हाल करना चाहिए था, ऐसे इनको रुलाना चाहिए था। हम देख रहे हैं जैसे हमारा कल मैच हुआ जिम्बाब्वे हम हार गए। इंडिया को क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा खुशियां देती है, कौन कौन चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचे जो हारे फिर T20 जीते और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए और सीख किससे लेनी चाहिए, इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। इंडियन का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपने ऑस्ट्रेलिया के गेंस देखा जो उनके यंगस्टर्स हैं वो सेंचुरियां मार रहे हैं और हमारे जो यंगस्टर हैं वो खचे मार रहे हैं। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की बहुत धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुरख सुरख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं दिलाओ। इंडिया जब बैटिंग करती थी ऐसे लगता था बैटिंग पिच है, ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करती है ऐसे लगता है बॉलिंग पिच है। मतलब कि पिच के अंदर कोई मसला तो नहीं किया इंडिया ने, बड़े लोगों के दिमाग में हो गया, हेटर्स के दिमाग में। ओ भाई ऑस्ट्रेलिया की पिच थी कोई इंडिया की पिच थोड़ी थी जो इस तरह के नाम लगाना शुरू करते थे। आज तो ऑस्ट्रेलिया की पिच होने के घर में जाके इतनी बड़ी शिकायत थी, आपने देखा नहीं 50,000 का क्राउड देख रहा था यार ये बच्चे क्या खा। एक होता है मारना, एक होता है आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से मारना और भिगो भिगो के मारना। भारतीयों ने कैंगरूज को उन्हीं के मुल्क के जाके उन्हीं के क्राउड के सामने भिगो भिगो के मारा है और पानी तक नहीं दिया उनको। पानी तो पूछ ही लेता है इंसान, लेकिन आपने तो पहले सेशन के बाद जब आप 150 पे आउट हुए भारतीयों ने तो उनको पानी तक नहीं पूछा। चौथा दिन था, मरे पड़े थे, पानी तो दे देते यार कम अज कम उनको। आज गोरों का ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर टूटा है और तोड़ दिया है गरूर गोरों का उन्होंने। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी थ्रू आउट द गेम वो ऐसा दूसरे दिन से लगने लग गया था कि वो मैच हार गए हैं और ये सब भारतीय क्रिकेटर्स की वजह से हुआ है। जबरदस्त क्रिकेट खेली है उन्होंने इन चार दिन के अंदर जो है, कैंगरूज को पानी तक नहीं पूछा है और सब प्लेयर्स जो चार पांच बड़े प्लेयर्स हैं, टीम एफर्ट होती है, चार पांच बड़े प्लेयर्स ने उनको भिगो भिगो के मारा है और मजा आया क्रिकेट देखने का। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की बहुत धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के लाल लाल सुरख सुरख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पटाई नहीं लगाओ, इतना डोमिनेंस नहीं लगाओ। तो भैया ये क्रिकेट है जो भारत ने प्रोड्यूस की है और उनके जयसवाल की तरफ से एक ब्राइट फ्यूचर नजर आया आज के मुंबई की सड़कों से आके तेरी फार्म से आके हमें क्रिकेट देखने को मिली है इंडियन टीम की जानिब से, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाकर ऑस्ट्रेलिया को उसकी होम कंडीशन में पर्थ टेस्ट मैच में, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया कभी भी टेस्ट मैच हो वनडे हो 20 हो 90% ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीतता है, लेकिन इंडिया ने वो मैच ऑस्ट्रेलिया को पर्थ टेस्ट मैच में हरा कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात याद दिला दी है। बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है इंडियन टीम की जानिब से, स्पेशली जयसवाल, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, विराट कोहली हो गए, इन प्लेयरों की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो पर्थ टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया है और इंडिया को जो पांच टेस्ट मैचेस की सीरीज है उसमें 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है।